नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपका अपने राम सिंह कुंडली धर्म चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सब लोग खुशहाल होंगे और अपने परिवार में मस्त होंगे और अपने नए जीवन में व्यस्त होंगे। मगर थोड़ा सा टाइम हमारे इस चैनल में भी आपको निकालना है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ना कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपसे बस यही आशा करता हूँ नए साल में हमारे चैनल को लाइक करें और जो भी आपके मन में हमारे वीडियो को देखकर भाव उठते हैं या आपको वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता तो कम से कम कमेंट्स करके बताएं। तो और आपकी जो भी समस्याएं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ सदैव हैं और सदैव रहेंगे। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो राहु केतु और शनि से संबंधित है। हमारे बहुत से मित्र फोन करके बताते हैं उनको राहु की समस्या है, राहु के कारण उनको बहुत परेशानी हो रही है, केतु के साथ के कारण परेशानी हो रही है, शनि के कारण परेशानी हो रही है और हम बहुत सारे हमने उपाय कर लिए, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। काफी जगह चले गए हैं और मगर फिर भी कुछ इतने सारे उन्होंने उपाय करवा लिए, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा हमें। तो उनके लिए मैं बहुत ही सरल और सादा उपाय लेकर आया हूं और आप अगर इस उपाय को करते हैं तो आपका राहु केतु शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस उपाय को करते राहु का प्रकोप, केतु का प्रकोप, शनि का प्रकोप सब शांत हो जाएगा और आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है वो मिट जाएगी सदा सदा के लिए। आपको करना क्या है, आपको आपकी जितनी उम्र है, जैसे आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो आपको अपने आयु के अनुसार जो जूते में कील लगाई जाती है ना वो कील खरीद के लानी है। जैसे आपकी 20 साल उम्र है तो आप 20 ग्राम कीले ले आइए जूते वाली, जो चमार जूतों में ठोकते हैं, जो मोची लोग ठोकते हैं। यहां मैं जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार्य की बात कर रहा हूं, जो मोची का काम करते हैं तो वो कीले आपको लानी है जूते वाली। और ये क्रिया आपको शुक्रवार को करनी है एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले आप लाके रखेंगे जब भी आप शनिवार को वो काम सही से कर पाएंगे। तो आपको उतनी ही कीले लानी जितनी आपकी आयु है, जैसे 30 साल है तो 30 ग्राम ले आओ। या कोई बच्चे का उपाय करवाना है तो बच्चे की जितनी उम्र हो उसके हिसाब से ले आओ, उसको लाकर 7 बार अपने सिर से आपको सीधा फिर 7 बार उल्टा घुमाना है उन कीलों को। और फिर जो आपके आसपास कोई मोची जो काम करता हो, जूते काटता हो, उसको कुछ पैसे और वो कीले ले जाकर दे दो। उसको ये नहीं बताना कि हमने उपाय करा है, उनको ये बोलो ये कीले मैं इधर फालतू रखी हुई थी और आप इसे इस्तेमाल कर लो, आपके इस्तेमाल में हो जाएंगी। तो वो कीले जरूर आपसे वो ले लेगा और जब वो कीलों को इस्तेमाल करेगा किसी के जूते में, चप्पल में वो टाकेगा, तो जैसे जैसे वो कीले औरों के जूतों में टकती जाएंगी, आपके जो फूटे भाग हैं वो आपके नसीब जागने लगेंगे, आपके जो राहु केतु शनि आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट देना बंद कर देंगे, आपके जीवन में खुशी आने लगेंगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपको जो आप निर्णय नहीं ले पाते राहु के कारण, केतु के कारण आपका मन भटकता है, काम में मन नहीं लगता, आपका काम में मन लगने लगेगा। शनि के कारण आपको नुकसान होता है, धन की हानि होती है, तो आपको धन की हानि नहीं होगी। आपके घर में जो ग्रह क्लेश हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है जरा सी सी बातों पर और कारण को समझ नहीं आ पाता, बात कुछ नहीं हो और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनके जीवन में चल रही हैं इस उपाय को करने से, और ये उपाय सिर्फ आपको एक बार करना है, बार बार भी नहीं करना तो क्या जाता है करने में। तो नए साल से इस उपाय को भी करें और लाभ उठाएं और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं, जिसे उनके जीवन में अगर शनि राहु केतु की कोई समस्या है और उनके जीवन में कोई दुख है तो दूर हो जाएगा, उनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा और वो भी आपको बहुत दुआएं देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।